नमस्कार, पूरब टाइम्स की पेशकश फटाफट ताजे समाचार में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मेक इन इंडिया निर्यात को बढ़ावा देते हुए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मेडिकल कवर ऑल के निर्यात की अनुमति की घोषणा की है। सरकार ने पीपीई कवर ऑल के अलावा अन्य उत्पादों पर निर्यात पर पाबंदी जारी रखी है। उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य के लोगों के लिए 1 जुलाई से चार धाम यात्रा यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री की यात्रा शुरू करने की इजाज़त दे दी है। केवल कंटेनमेंट जोन व क्वारंटाइन सेंटर के लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। बाहर राज्यों के यात्रियों पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। माना जाता है कि दुनिया में 7 महाद्वीप है, पर वैज्ञानिकों ने खोए हुए 8वें महाद्वीप ज़ीलैंडिया का अप्रत्याशित विस्तृत मैप तैयार किया। न्यूजीलैंड की जीएनएस साइंस ने इस मैप को इंटरैक्टिव वेबसाइट पर अपलोड किया है। करीब 50 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला ज़ीलैंडिया लाखों साल पहले जलमग्न हो गया था। जहां एक ओर भाजपा कांग्रेस की राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना की कंपनियों के द्वारा फंडिंग को लेकर आक्रामक हो गई है, वहीं अब कांग्रेस ने भी बीजेपी समर्थित केंद्र सरकार द्वारा पीएम केयर्स फंड में चीनी कंपनियों से मिले डोनेशन के लिए सवाल उठाने और उसे वापस लौटाने के लिए हल्ला बोल दिया है। प्रमुख अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने सोमवार को ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया। गिलानी ने एक बयान में ऐलान किया कि वह ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से खुद को पूरी तरह से दूर कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मौजूदा हालातों को बताया है। कोरोना संकट में रेलवे यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने अपनी तत्काल टिकट बुकिंग सेवा शुरू कर दी है। रेलवे द्वारा चलाई जा रही विशेष यात्री ट्रेनों और एसी स्पेशल में तत्काल टिकट बुकिंग की सेवा आज से शुरू हो गई। सेंट्रल रेलवे के मुताबिक 30 जून और इसके आगे की तारीखों के लिए चलने वाली ट्रेनों में यह सुविधा शुरू हो जाएगी। स्पेशल ट्रेनों में जिन ट्रेनों का नंबर 0 से शुरू है उनकी बुकिंग की जा सकेगी। सुबह 10 बजे से एसी क्लास और सुबह 11 क्लास के लिए तत्काल टिकट बुकिंग होगी। 12 अगस्त तक सभी सामान्य रेल सेवाओं को बंद कर दिया। इसके अलावा रेलवे संक्रमण का जोखिम घटाने के लिए ट्रेनों के एसी कोच में सिस्टम बदल रहा है, जिससे ज्यादा ताजी हवा सर्कुलेट हो। अभी कोच की हवा ही सर्कुलेट होती है। राजधानी रूट में 15 जोड़ी ऐसी ट्रेनों में यह सेवा शुरू कर दी गई। सीएम भूपेश बघेल ने बिजली कंपनियों के अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के विखंडन के बाद बांटे गए 5 कंपनियों में से 2 कंपनियों को भंग करने का फैसला लिया गया। बता दें, छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल के विखंडन के बाद बांटा गया था, जिसमें अब जनरेशन, ट्रांसमिशन, ट्रेडिंग, होल्डिंग और डिस्ट्रीब्यूशन 5 कंपनियां हैं। अब इनमें से ट्रेडिंग और होल्डिंग कंपनियों को भंग करने का फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ की बहुप्रतीक्षित आईपीएस ट्रांसफर लिस्ट राज्य सरकार ने जारी कर दी है। राज्य सरकार ने रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार, सरगुजा, बलरामपुर, सुकमा, जशपुर और कोंडागांव के एसपी बदल दिए हैं। दुर्ग एसएसपी की जिम्मेदारी संभाल रहे सबसे सीनियर एसपी अजय यादव को राजधानी रायपुर लाया गया है। वहीं बलौदाबाजार जिले की कमान संभाल रहे प्रशांत ठाकुर को मुख्यमंत्री के गृह जिले यानी दुर्ग की जिम्मेदारी दी गई है। विदित हो कि प्रशांत ठाकुर दुर्ग जिले में पहले भी एडिशनल एसपी रह चुके, वे यहां का मिजाज पूरी तरह से जानते। मुख्यमंत्री व अन्य महाबलीय मंत्रियों के जिले में उनकी पोस्टिंग उनकी योग्यता के परितोषक के रूप में देखी जा रही है। कोरोना काल में राशन कार्ड बनाने की उदारता को लेकर दुर्ग जिले के लोगों ने जमकर फायदा उठाया दिखता है। हालात यह है कि जिले में 3,62,000 परिवार हैं और 4,20,000 राशन कार्ड बना लिए गए। इनमें अन्य प्रदेशों से लौटे लोगों ने भी राशन कार्ड बनवा लिए, पर उनकी संख्या इतनी ज्यादा होना संभव नहीं है। कोरोना काल में सरकार ने पारिवारिक दस्तावेजों को दरकिनार कर केवल आवेदन के आधार पर राशन कार्ड बनाने के निर्देश दिए थे। पिछली बार भी जांच होने पर छत्तीसगढ़ से लाखों की तादाद के राशन कार्ड कैंसिल हुए थे। जिले के थानों में पदस्थ अधिकांश पुलिसकर्मी ऐसे थे जो ड्यूटी से छूटने के बाद अपना मोबाइल बंद कर देते थे। जरूरी जानकारी या काम पड़ने पर जब उनसे संपर्क करने का प्रयास किया जाता तो उनके मोबाइल बंद मिलते थे। इस तरह की समस्या को देखते हुए जिले के सभी पुलिसकर्मियों को सरकारी नंबर दिया गया, जिसे 24 घंटे चालू रखना हर पुलिसकर्मी के लिए अनिवार्य है। इसके पहले सिर्फ थाना व चौकी प्रभारी के अलावा राजपत्रित अधिकारियों को ही सरकारी नंबर दिए जाते थे। थाने व चौकी के हर स्टाफ के अलावा
होशंगाबाद जिले के करीब 1800 से अधिक पुलिसकर्मियों को ये नंबर दिए गए, वितरित किए गए नंबर एक ही सीरीज के हैं। अब पुलिस प्रशासन के लिए उनकी उपलब्धता 24 घंटे रहेगी। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में जारी बढ़ोतरी को लेकर सोमवार को एक बार फिर कांग्रेसी सड़क पर उतर आए। रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास एकत्र हुए कांग्रेसियों ने केंद्र की मोदी सरकार के साथ ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की सरकार पर भी निशाना साधा। कांग्रेसी नेताओं ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की नीतियों की आलोचना की। वहीं रमन सिंह को लेकर कहा कि खुद राज्य संभाल नहीं पाए और हम पर आरोप लगा रहे। कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम पदार्थों के बड़े कीमतों के विरोध में रमन सिंह को साइकिल भेंट करने की बात कही। वहीं विधायक विकास उपाध्याय ने रस्से से बांधकर ट्रक खींचा। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है, बारिश नहीं हो रही थी, पिछले दो दिनों से बादल आकर आगे बढ़ जा रहे थे। आज फिर से मौसम विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। राज्य के कुछ भागों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट